साल था 1988। इस साल सोनम ने एक फिल्म की थी जिसका नाम था आखिरी अदालत, और इसके बाद उन्होंने साउथ फिल्मों का रुख कर लिया, लेकिन वहां पर उन्हें उतनी पहचान नहीं मिली, जिसके बाद वो घर पर ही बैठ गई। उन्हें उनकी फिल्मी करियर में शुरुआत में कोई पहचान नहीं मिली, जिसके बाद 1989 में एक फिल्म आई त्रिमूर्ति, और इस फिल्म में नसीरुद्दीन शाह के साथ उन्हें लीड रोल दिया गया। इस फिल्म का गाना तिरछी टोपी वाले बहुत फेमस हुआ था, हर घर पे लोग इस गाने के बोल पर थिरकते थे, और साथ ही में यहाँ से सोनम का करियर बहुत ही आगे बढ़ गया और राजीव रॉय के साथ उनके लव अफेयर की कहानियाँ सामने आने लगी। 90s के दशक में त्रिमूर्ति फिल्म्स एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस था और राजीव रॉय ही इसके ओनर थे, इसीलिए भी उन्हें इस फिल्म में काम मिला था। फिर इन दोनों ने शादी कर ली, जिसके 3 साल बाद सोनम विदेश शिफ्ट हो गई और वहाँ पर ही रहने लगी, लेकिन वहाँ से वो बार बार आने की बात तो करती थी, राजीव रॉय उन्हें आने से मना करते थे, फिल्म में भी उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा था, जिसके बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि उन्होंने अपनी जीवन की सबसे बड़ी गलती की है राजीव रॉय से शादी करके। साल 2012 स्विट्जरलैंड में एक औरत अपने घर का सारा सामान पैक कर रही थी और अपने बेटे से बोल रही थी कि जल्दी करो वरना फ्लाइट छूट जाएगी। ये और कोई नहीं सोनम ही थी, वो इंडिया आने की तैयारी कर रही थी ताकि अपना फिल्मी करियर वापस से शुरू कर पाए। वो मुंबई आ गए, उन्होंने रहने के लिए एक ठिकाना ढूंढा और उसके बाद वो फिल्में ढूंढने में लग गए, जिसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाई जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें अपना इंटरव्यू देना है। वहां से उन्होंने अपनी कहानी सबके साथ शेयर की। भाई किस्मत भी अजीब होती है, एक दौर था जब सोनम का किया हुआ एक भी गाना फ्लॉप नहीं होता था, मजाल है उन्होंने जिस गाने पे परफॉर्म किया है वो फ्लॉप हो जाए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सोनम अभी भी कमबैक करने के लिए पूरी तरीके से लगी हुई है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि त्रिदेव 2 ही उन्हें इस फिल्म में मौका दे सकती है, यानी कि त्रिदेव 2 आने के चर्चे चल रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि इस बार सोनम को इसी फिल्म में कमबैक करने का मौका मिल जाए। इस बार फिल्म में 3 की तिगड़ी तो होगी ही, लेकिन नसीरुद्दीन शाह का इस फिल्म में रोल ना के बराबर हो सकता है, क्योंकि 72 इयर्स के हो चुके नसीरुद्दीन की आजकल तबीयत थोड़ी नाजुक चल रही है। उन्होंने अपनी वेब सीरीज ताज के बाद से किसी भी प्रोजेक्ट को हाथ में लेना बंद कर दिया है और उन्हें डॉक्टर्स ने आराम करने की हिदायत दी है, तो अब नसीरुद्दीन शाह का जो कैरेक्टर था उसे तो इस फिल्म में कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन फिल्म के मेकर्स ने एक नई कास्ट एंड क्रू की लिस्ट बना ली है, क्योंकि वो नसीरुद्दीन को चांस तो देना चाहते हैं, अगर वो आ गए तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर वो नहीं आ पाए फिल्म में तो प्लान बी भी रेडी है। आपका इस बारे में क्या कहना है और आप क्या त्रिदेव 2 देखना चाहेंगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वॉरिग्रास स्टूडियोज को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी होस्ट पंखरी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।